आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। सीधी दौरे पर सीएम के विश्राम गृह में मच्छर होने की शिकायत पर संभागायुक्त ने रेस्ट हाउस प्रभारी उपयंत्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह आदेश 18 फरवरी को संभागायुक्त राकेश कुमार जैन ने जारी किया। दरअसल आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सर्किट हाउस की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री बाबूलाल गुप्ता को सौंपी गई थी, लेकिन विश्राम गृह के आसपास साफ सफाई का अभाव पाया गया और पानी का टैंक लगातार ओवरफ्लो हो रहा था। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के कक्ष में मच्छर होने की शिकायत भी प्राप्त हुई। इससे स्पष्ट होता है कि विश्राम गृह का रखरखाव विशिष्ट अतिथि की गरिमा की अनुकूल नहीं था। मामले में संभागायुक्त ने कार्य में लापरवाही पाए जाने पर उपयंत्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दरअसल सीधी दौरे के दौरान वीआईपी गेस्ट हाउस में विश्राम करने पहुंचे सीएम को मच्छरों ने सोने नहीं दिया। यहां रात 2:30 बजे मच्छर मारने की दवा का सीएम के कमरे में छिड़काव किया गया, जिसके बाद सीएम को थोड़ी नींद आई, लेकिन सुबह 4 बजते ही पानी की ओवर फ्लो टंकी ने नींद में खलल डाल दिया, जिसके बाद सीएम ने खुद उठकर पानी की सप्लाई बंद कराई। इस तरह से सीएम दौरे और विश्राम के दौरान बरती गई लापरवाही पर गेस्ट हाउस प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है।